कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार। सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 18 साल से ऊपर को फ्री वैक्सीनेशन प्लान। महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से युद्ध। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़नी होगी और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर को लेकर भय का माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसे रेमडेसिविर नहीं मिलेगा उसकी जान चली जाएगी। चुनाव आयोग पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, कहा कोरोना की दूसरी लहर के लिए सिर्फ चुनाव आयोग जिम्मेदार है। कोरोना संकट के बावजूद रैलियां नहीं रोकी गईं, आयोग के अधिकारियों पर अगर हत्या का केस चले तो वो गलत नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोरोना के लक्षण वाले गंभीर मरीजों को दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती होने के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने इस बारे में दिल्ली सरकार को व्यापक प्रचार की बात कही है। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की। केजरीवाल ने 1,34,00,000 डोज खरीदने की बात कही है। सीएम केजरीवाल ने देश में वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अपील करते हुए कहा कि 150 रुपए दाम कर दीजिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने भी 18 साल से ऊपर के लोगों को फ्री में टीका लगाने का ऐलान किया है। कई अन्य राज्य पहले ही मुफ्त टीकाकरण की बात कर चुके हैं। देश में 1 मई से तीसरे चरण का वैक्सीनेशन होना है। इसमें 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। कोरोना के आंकड़ों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के बीच वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। अब तक 14,19,00,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कल सिर्फ 10,00,000 लोगों को ही वैक्सीन दी गई। दिल्ली के छतरपुर में आईटीबीपी में राधोस्वामी सत्संग आश्रम में 500 बेड का नया कोविड सेंटर शुरू किया गया है। सीएम केजरीवाल ने आज उस सेंटर का दौरा किया। इस अस्पताल में भर्ती होने के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर की मंजूरी लेनी होगी। मुंबई में 1100 नागरिकों को बतौर स्पेशल अफसर नियुक्त किया गया है। ये लोग कोरोना की रोकथाम में मुंबई पुलिस की मदद करेंगे। भीड़भाड़ वाली जगहों पर इनकी तैनाती होगी। इनको मिले सर्टिफिकेट में कार्यकाल का समय और जानकारी मौजूद है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।